हर साल की तरह इस साल भी ग्वालियर के फूलबाग मैदान में रामलीला का मंचन किया जाएगा। यह आयोजन श्री रामलीला समारोह समिति द्वारा 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच होगा। आपको बता दें कि रामलीला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। शुरुआत में 30 सितंबर सोमवार की शाम 8 बजे खाटू श्याम संकीर्तन में कलकत्ता के भजन गायक संजय मित्तल और दिल्ली के शीतल पांडे के द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। 6 अक्टूबर को बैजा ताल में होने वाली केवट संवाद के मंचन को निरस्त किया गया है। 12 अक्टूबर को 4 बजे अचलेश्वर मंदिर में दशहरा चल समारोह फूलबाग मैदान पहुंचने के बाद विजयदशमी पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। मैंने ये सब बताया कि रामलीला का आयोजन 30 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 30 तारीख को खाटू श्याम के भगवान का भजन है, उसके बाद 1 तारीख को सुंदरकांड का पाठ है, 2 तारीख से रामलीला का शुभारंभ रामलीला कार्यक्रम है और 12 तारीख को दशहरे का कार्यक्रम है, 5 तारीख को भगवान राम का विवाह का आयोजन किया जा रहा है, 13 तारीख को राज्य अभिषेक किया या विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी का आयोजन किया जाए। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित करेंगे। अचलेश्वर मंदिर से प्रारंभ होके विभिन्न इमारत सराफा बाजार टोपी बाजार वगैरह होता हुआ यहाँ रामलीला मैदान छतरी में 9 बजे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहर के गणमान्य लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग वहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहीं पर भजन गायक अपने भजनों के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि देंगे। विशेष रूप से दिन भर विभिन्न सामाजिक संगठन और सामाजिक लोग शहर में भोजन का वितरण, फल का वितरण, ब्लड डोनेशन और आई कैंप, इस प्रकार के सामाजिक कार्य दिन भर आयोजित होंगे।